शालोम, क्या यीशु वाक्य ही में हमारा नजात दहिंदा है? वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। ये वो सवाल है जिसका सामना हर मसीही को उसकी अपनी जात में, जिंदगी में कम अज कम एक बार जरूर करना पड़ता है कि क्या यीशु वाक्य ही में मेरा नजात दहिंदा है। और ये सवाल तभी हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है जब हम किसी बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार होते हैं, जब हम शदीद दुखों की, नाउमीदी और मायूसी की घड़ियों में से गुजर रहे होते हैं, या फिर जब हम इल्मी और अकली सवालों और दलीलों में धंसे हुए होते हैं। जब हम मुकद्दस मत्ती की तहरीर का 11वां बाब खोलते हैं तो हमें यूहन्ना इस्तबागी इसी किस्म के हालात में गिरफ्तार नजर आता है। हालांकि हम जानते हैं कि वो खुदा का नबी था और उसको यीशु की पहचान का निशान खुदा की तरफ से मिल चुका था। फिर वो यीशु का रिश्तेदार भी था और उसके बचपन के हालात और वाकयात से खूब वाकिफ रहा होगा। उसकी तालीम और उसके मौजूदात को वो जानता था, लेकिन इस सब के बावजूद उसके जहन में यीशु की जात को लेकर शक मौजूद था, क्योंकि वो इन सब इतलात को रखने के बावजूद यीशु के मशियाह यानी मसीहा होने की रूहानी समझ बूझ को ना समझ पाया था, उसका अदराक नहीं कर पाया था, क्योंकि आम यहूदियों की तरह वो भी यीशु को दुनिया के जाहरी बादशाह के तौर पर देख रहा था जो जंग करते और तख्त हासिल करते हैं। वो यीशु के असल मिशन या मकसद से वाकिफ ना था, इसीलिए उसने कैद की हालत में यानी मायूसी और नाउमीदी की हालत में यीशु से उसकी जात की तस्दीक चाही। अजीजो, ईमान और तजुर्बा दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन हैं ये दोनों कुली तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ। रबी शाऊल यानी पौलुस रसूल ईमान को अनदेखी चीजों को मानने से ताबीर करते हैं, जबकि तजुर्बा मादी हयत के इंसानी हवास से खमसा के इम्तिहान में से गुजरने का नाम है। मैं फिर दोहराता हूं, तजुर्बा मादी हयत के इंसानी हवास से खमसा के इम्तिहान में से गुजरने का नाम है। खुदा ईमान को पसंद करता है और कलाम हक ईमान ही की तरगीब देता आया है। तजुर्बा बुरी चीज नहीं, लेकिन तजुर्बा इंसान में फख्र, घमंड और मगरूरी पैदा करता है जिसमें ईमान की कोई रमक नहीं होती। लेकिन चूंकि मैंने पहले दोनों यानी ईमान और तजुर्बे को सासत भी कहा था, इसलिए बताता चलूं कि ईमान की बातों को तजुर्बा की कसौटी पर तोला जा सकता है, जैसे यूहन्ना इस्तबागी यीशु मसीह के बारे में तजुर्बा कर चुका था। बाज हालात में आज हम भी ईमानी तजुर्बे में से गुजर कर मसीह पर सवाल कर बैठते हैं, क्योंकि हम अपने दुखों, मुसीबतों, मायूसियों, नाउमीदियों और दुनियावी सवालों से तंग आए हुए होते हैं और बाज हालात में खुदावंद को सामने ना पाकर भी उस पर शक कर बैठते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा था कि मुबारक वो होंगे जो मुझ पर बिन देखे ईमान लाएंगे। ऐसे हालात में आप आज अपने आप को कहां देखते हैं? कभी कभी हम अपनी जिंदगियों के लिए जो खुदा की तरफ से बुलाहट होती है उस पर भी शक कर बैठते हैं, हालांकि हम अपनी जिंदगी में खुदा की बरकात और रहमतों को बखूबी पहचान रहे होते हैं, लेकिन फिर भी खुदा की जात पर शक कर बैठते हैं। हमें अपने ईमान में वफादार और खुदा के फर्मबरदार रहना है। हमें अपनी जिंदगियों में अपने खुदावंद के मौजजाती काम के लिए अंधे या नबीना नहीं बनना। हमें इस ईमान को नहीं खोना कि हमें अपने तमाम गुनाहों से माफ़ी मिल गई है और हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं।
आज रोजाना हमें खुदा अपनी जात पर ईमान रखने के लिए बुलाता है, ताकि हम उसके सुकून और आराम की मामूरी में चलें। इसके शालोम का तजुर्बा करना खुद कार नहीं है, लेकिन हमें इसका पीछा करना है और इसके फर्ज पर ईमान रखना है। आज इसी ईमान की मजबूती के लिए हमें फिलिपियों 4 उसकी 6 से 8 आयत में अच्छी रहनुमाई मिलती है। आज आप गौर कीजिए कि आप यीशु की जात पर किस वजह से शक करते हैं, उस वजह को तलाश करके उसे झटक दीजिए। खुदा उन पर मुकम्मल भरोसा और ईमान व इत्तेकाद रखिए। इन सवालात और बातों पर गौर कीजिए और मैं दुआगो हूँ कि खुदावंद में आपका आज का दिन भी मुबारक और बाबरकत ठहरे। आमीन। सलामत रहें।